दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो क्या करें। आज मैं इस वीडियो में आपको इसी समस्या से निजात पाने के तरीके बता रहा हूं। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए आपको हर दिन हींग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा सीमित होनी जरूरी है। नहीं तो पेट साफ करने वाला, सिर दर्द दूर करने वाला और गैस की समस्या से मुक्ति दिलाने वाला ये मसाला शरीर पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। हींग जैसे कि आप सबको मालूम है कि सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे इसके गुणों के आधार पर रेचक प्रकृति का माना जाता है। आयुर्वेद में रेचक उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो हमारा पाचन तंत्र और मल मार्ग साफ करने और मल के निकलने की क्रिया में सुधार का कार्य करते हैं। आप डेली डाइट में हींग का सेवन करते हैं तो आपको पेट फूलने की समस्या कभी नहीं होती है। जो लोग नियमित रूप से हींग भोजन में मिलाकर खाते हैं उनके पेट में गैस बनना और अपच की समस्या कभी नहीं होती है। जिन बहनों को मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है या मरोड़ की समस्या होती है उन्हें नियमित रूप से हींग का सेवन करना चाहिए। यही नहीं, ये हींग बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी काफी लाभकारी मानी जाती है। दरअसल बच्चे के पेट में कीड़े हो जाने की वजह से उनके पेट में दर्द होता है और वे काफी परेशान रहते हैं। हालांकि ये दिक्कत किसी भी उम्र के लोगों के साथ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को देखने को मिलती है। इसलिए बच्चों के लिए कोई भी डिश तैयार करते समय उसमें थोड़ा थोड़ा हींग जरूर डालें। इसके दो फायदे हैं। पहले तो बच्चे का पेट साफ रहेगा और उसकी लंबाई ठीक से बढ़ेगी। साथ ही बड़ा होने पर उसे हींग का टेस्ट अजीब नहीं लगेगा। इससे वो अपनी नियमित डाइट में इसका इस्तेमाल कर पाएगा और जीवन भर कई बीमारियों से मुक्त रहेगा। पेट के अलावा कान के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है हींग। अगर आपके कान में अचानक से दर्द हो जाए तो हींग पेन किलर की तरह काम करती है। इसके लिए आप छोटी कटोरी में एक चम्मच नारियल का तेल गर्म करें और इसमें हींग का छोटा टुकड़ा डालकर पिघला दें। जब हींग नारियल के तेल में अच्छी तरह से घुल जाए तो इस मिश्रण को आप एयर ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हुए कान में डालें। ध्यान रहे कि तेल गर्म ना हो। नारियल का तेल मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है तो हींग जलन, सूजन और दर्द को दूर करता है। पेट का दर्द, यदि आपके पेट में अचानक से दर्द हो जाए और उस समय आपके पास कोई दवा उपलब्ध ना हो तो हींग एक दर्द निवारक औषधि की तरह काम करती है। आप दो चुटकी हींग लेकर इसे आधा चम्मच पानी में घोल लें। अब इस हींग मिले पानी में रुई का छोटा पीस भिगोकर अपनी नाभि पर रख दें। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपको इस दर्द से राहत मिल जाएगी। तो जाना आपने कि आखिर अगर पेट की कोई भी समस्या है, कान की समस्या है, ये सारी की सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ हींग खाने से दूर होती है, तो आप जरूर हींग को अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।